लोकसभा चुनाव को लेकर के नेता एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। जयपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर निशाना साधा। मंत्री गहलोत ने राहुल गांधी पर झूठी बयानबाजी का आरोप लगाते हुए कहा कि राहुल गांधी झूठ पर आधारित भाषण जनता के बीच में दे रहे हैं। मंत्री गहलोत ने इस दौरान राज्य की कांग्रेस सरकार पर भी निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस सरकार ने आर्थिक आरक्षण को लागू नहीं किया, साथ में जो वायदे किसान ऋण माफी बेरोजगारी भत्ता देने के किए थे वो भी पूरे नहीं किए गए। गहलोत ने सैम पित्रोदा के लिए बयान पर टिप्पणी करते हुए कहा कि सैम पित्रोदा को महसूस हो रहा है कि उन्होंने गलत बोला है, उन्होंने गलत बोला था। वहीं पर भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए उदित राज के बारे में कहा कि उदित राज की नीयत सही नहीं थी, उन्हें टिकट नहीं मिला तो पार्टी छोड़कर चले गए। क्या स्थिति है, पानी की समस्या खड़ी हो गई है और एक नहीं अनेक इस प्रकार की समस्याएं इन तीनों राज्यों में है और तीनों राज्यों में फिर से वातावरण नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में है और आज जो राजनीतिक परिदृश्य सारे देश का, मैं ये कह सकता हूं कि कांग्रेस का अस्तित्व समाप्त होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है और जो क्षेत्रीय राजनीतिक दल है उनका भी अस्तित्व प्रायः समाप्त है। जनता महसूस कर रही है इन 5 सालों में कि क्या ये महात्मा गांधी वाली कांग्रेस है जो भारत माता की जय का नारा लगाती थी, वंदे मातरम का नारा लगाती थी और आज उससे परहेज क्यों किया जा रहा है, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारा